क्या बात है, ताड़ा भी चले बम्बर का मुंह किंदा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कैप की भी आंदी ना आवाज, क्या जी सुनना जी पसंद करेंगे जी। मगरब दी सा ऐसे ही होता है। अच्छा तू कह जैसे नाल खलोवांगा शायद तकड़ा तकड़ा लगा। कोई पैगाम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन पिशावर में हुआ है बड़ा जोशो खरोश वाला जलसा। इमरान खान साहब कहते हैं कि अब हकीकी जंग आज़ादी शुरू हुई है, यानी जंग आज़ादी अब हकीकी शुरू हुई है, यानी अब 2022 चल रहा है और खान साहब हमें ले गए हैं 1947 में। क्या जंग उस टाइम सही हुई थी या अब जंग सही होगी, ये तो आवाम बताएगी मुझे। खान साहब बड़े जोशो खरोश के अंदर हैं, कारकुन बड़े जोशो खरोश के अंदर हैं, और खान साहब ने ये भी कहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं सड़कों पर रहूँगा। गर्मी शिद्दत देख लें कि सड़कों पर खान साहब क्या करेंगे। खान साहब मैं आपको सड़कों पर नहीं देखना चाहता, मैं आपको किस सीट पे देखना चाहता हूँ, आप सड़कों पे ना आए। लेकिन बहरहाल ये आवाम ही बताएगी कि खान साहब अब ये जंग आज़ादी अब शुरू हुई है हमारी, और खान साहब सड़कों पर रहेंगे। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं खान साहब, कह रहे हैं कि असल जंग आज़ादी अब शुरू हुई है। उसे कोई जंग आज़ादी नहीं, आराम कर सुकून कर, अरा शेर नू आ गया कुछ काम करन दे, हुन बड़ी हो गई मेहरबानी होंगी। गरीबा का ख्याल करन लगा, रोटी सस्ती होने लगी है, आटा सस्ता होने लगा है, पेट्रोल थले आन लगा है, तेरी मेहरबानी है। थले नहीं इधर पेट्रोल पैसे, थले नहीं आन देना ना बच्चा, पेट्रोल है हर चीज का म्यार थले आएगा हूँ लेवल। देखो जी घ्यो का रेट, वो कह रहे हैं सड़कों पर रहूंगा जब तक इलेक्शन। मैं तो कहना सड़क के उत्ते सुकून करे हूं बनी गल, रिलैक्स करे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं सड़कों पे रहूंगा। सही कह रहे हैं जी, वो मेरिट पे हैं वो, और देखें कि सड़कों पे शिद्दत की गर्मी में सड़कों पे आवाम भी सड़कों पे आप भी सड़कों पे, क्या मसला बनेगा? कोई मसला नहीं बनेगा। घर आज कौन रहेगा जो सड़क से सारे आए? घरों में जो घरों में रहेंगे वो घरे रहेंगे। क्या कह रही है माजी आप? गरीब रहेंगे, महंगाई वेखेंगे, इन्हें हर चीज महंगा करता है, दुनिया का जीना हराम करता है। बिल्कुल सही है। तो क्या कहती है जंग आजादी, कह रहे हैं अब शुरू हुई है खान साहब? कुछ भी नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। ये थोड़ा कैमरे की तरफ देखे, कैमरे की तरफ देखे, और मुझे खान साहब को क्या पैगाम देना चाहती है आप? गरीबा वास्ते कोई मुश्किल हल कर देना, कोई सस्ता सौदा कर देना, कोई ढिड भर के रोटी खा ले बच्चा, ना रोटी भी नहीं चाहिए लभनी, ना कोई पकाने खाने को लभना है, मांग टांग के गुजारा कर रहे हैं। कोई मसला सड़कों पे हल नहीं होता होता अपनी, ये सब जो सड़कों पे निकले हैं अपनी जात के लिए निकले हैं, कौम के लिए क्या किया है? तीन साल आठ माह इसने हुकूमत के लिए कौम के लिए क्या किया, सिवाय महंगाई के कौम को क्या दिया इसने? कुछ भी नहीं दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ गई? मुझे चीनी का रेट बताएं क्या था उस वक्त, अब क्या है? घी का क्या था, अब क्या है? बताएं ना, अब कमी आ गई है, इंशाल्लाह आएगी। डॉलर की कीमत देखकर पहले कहा थी नहीं तो जंग आजादी कह रहे। कौन सी आजादी? आजादी तो हम ले चुके हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं सड़कों पे रहूंगा। पहले इलेक्शन लड़के नहीं, पहले इलेक्शन की बात तो हुई थी ना, बिल्कुल हुई थी। या तो पहले अपनी जो तरीके हुई थी पेश उसका सामना तो करते। आखिरी बाल कहाँ है वो जिसके लड़ने के लोग स्पिरिट्स का क्या मुजाहरा किया? वो मेरे छोटे बचन दे दिए उन्होंने, वो इसीलिए आखिरी बार कहाँ गई है वो? कोई कैप की भी आंदी ना आवाज, क्या सुनना पसंद करेंगे जी। तो मगरब दी सा कहते हैं, मगरब दी सा ऐसे ही होता है अक्सर। जंग आज़ादी जो है ना, असल हकीकी जंग आज़ादी अब शुरू हुई है। अच्छा। यानी 1947 में जो जंग हमने लड़ी वो हमारे लिए फारग हो गई, छोड़ दें, अब जंग शुरू होगी 2022 में। किस चीज़ की? पता नहीं किस चीज़ की कह रहे हैं वो, खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा ना मैं सड़कों पर रहूंगा। तो हो गई सरकार ने लाया के 150 रुपये किलो घ्यो हो रहा है, 40 रुपये किलो चीनी हो रही है, पेट्रोल 40 रुपये आ जाएगा लीटर इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 आगे है ना, ये चोर चले गए हैं तो ये आगे हैं। 150 रुपये किलो की हो जाएगी। हाँ जी, जे नहीं होएगा तो फिर भी उन्होंने नाल देने, फिर अगर जे नहीं होएगा तो फिर भी उन्होंने नाल देने। हाँ 40 रुपये किलो चीनी होगी, 150 रुपये किलो घी होगा। खान साहब कह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं सड़कों पर रहूंगा, हकीकी जंग आजादी अब शुरू हुई है 1947। वो सियासतदान का एक राइट है, वो कह सकता है, हाँ उसका बनता है कहना, लेकिन ये मेरी बात, वो सियासतदान नहीं है तो ये चोर डाकू हैं बहुत बड़े,
ये जो मियां बरादरान है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं कह रहा, ये हमारी आला अदलिया कह रही है। जिस आला अदलिया ने इमरान खान के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया ना, उसी ने कहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं हमारे मुल्क के 30 साल से। बात इतनी सिर्फ ये है कि मुझे बता दिया, अगर ये आटा घी ये मैंने जो कहा है ये करे, मैं इनको सलूट मारूंगा। ओना इमरान खान को वो जाके सोइयो, ओंदा टाइम मुक गया है, उन जाके सोइयो। नहीं तो वो कह रहा है हकीकी जंग ही अब शुरू हुई है, सिर्फ लूमड़ी फड़ लवा मैं शेर आ गया। हां जी पांच शेर ठीक1947 की जंग तो खत्म, और कह रहे कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं सड़कों पे रहूंगा। आवाम से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं वो? हाँ जी, वो उनको सड़कों पर रहने का आदत है। कोई पैगाम खान साहब को? दोस्त मैं बात इतनी करांगा कि मेरे मैं मोटरसाइकिल का एक अजय चक्का है ना, मैं ही नहीं सह ले सकता। आसन कबाल जिंदाबाद, उन्होंने मैं दरखास्त दी, उन्होंने पेश होया, दरखास्त दी, उन्होंने मैं मोटरसाइकिल दी। हाँ जी, दरखास्त एप्लीकेशन जिन्होंने कहते हैं लेके, वो सर जी उन्होंने जनाबे वाली सानू मोटरसाइकिल दी, मजदूरों के नबीनिया के बेवा के उन्होंने कार्ड लाए, महीने वजीफा लाए। देखो 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 भाई जान, उन्हों का सर्कट घर बह के चलता ही। अज इमरान खान साहब हुई आए ने, जे इन्होंने इस तो पहला मंग के अपना हाल भैड़ा किया, इन्होंने हूँ अपना भी सीधा करना चाहिए, तो आवाम साढ़े वर्गिया भरावान का भी सीधा करना चाहिए ही। बिल्कुल सही बात है। लिहाजा कि उन्होंने की किया जनाबे वाला, कि उन्होंने माशी तरक्की बर्बाद कर छड़ी है। ये हूँ साढ़े भरा जिन्हों को असी आने, ये सानू पानी पियान तो रवादार नहीं, तो असी की करिए उस हुकूमत नू। हाँ साहब को सड़कों पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, उन्होंने हक बनता जरीज लगा। मुँह खाली रखे है जी? हाँ जी मुँह खाली रखे है। बहुत अच्छा गीत है, मुँह वही होता है जिस दंद होनी ना बिल्कुल। की करने ने दंद फायदा ही कोई नहीं। नहीं तो ये हकीकी जंग अब शुरू हुई है, मानते इस बात? नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो ये जो सड़कों पे कह रहे रहूंगा जब तक इलेक्शन, रोता रहे सारी जिंदगी रोना है इसने। कोई पैगाम है खान साहब के लिए? खान रोना बह के जिन्हें साढ़े वास्ते मंगाइया ना, जिन्हें सुकून ना रात में सुकून साढ़े गरीबों। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे पे हंसी लेकर आना, आपके आंसू चुराना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें इज्जत लें, मोहब्बत बांटे मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके ससुरा है साथ है, ससुरा है ये बहन मेरी है, ससुरा आपके साथ है। ससुरा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आवाम के साथ हूँ। मेरे साथ है मेरी बहन, मेरे साथ है ससुरा, एक दफा के ससुरा आपके साथ है, ससुरा आपके साथ है, आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।